चैप्टर खत्म कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में पहले से पता है और कैसे ये खराब होता है वो भी हमें पता है। हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो भी हमें पता है, बट फिर भी हमें और चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और एज अ यूथ हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे एनवायरनमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान पहुँचता है, कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है उनको कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे एनवायरनमेंट को बुरा है, कैसे हम एज अ यूथ स्टेप्स ले सकते हैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। तो पहले कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे जो हमें पता होने चाहिए और फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे इनको नुकसान पहुँच रहा है हमारे एनवायरनमेंट को और कैसे हम उनको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आर एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, बेसिकली हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को हम क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट। अगर हम छोटे लेवल पर देखें तो आप जो अभी बैठे हो तो आपके आसपास की सराउंडिंग्स है, ठीक है, और पूरे अर्थ पर भी हम देखें तो पूरे अर्थ की सराउंडिंग्स भी हमारा एनवायरनमेंट ही कहलाता है। ओके, हमारे एनवायरनमेंट में दोनों चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें लिविंग होती हैं और कुछ चीज़ें विच आर इम्पॉर्टेंट, लिविंग और नॉन लिविंग, या दोनों इम्पॉर्टेंट, दोनों इम्पॉर्टेंट होती हैं। लिविंग थिंग्स की अपना एक रोल होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का अपना एक रोल होता है जिससे हमारा पूरा सिस्टम चलता रहता है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का जो ये आपस में इंटरेक्शन है इसी को हम इको सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो नोन एज बायोटिक कम्पोनेंट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो नोन एज एबायोटिक कम्पोनेंट्स। उनके बीच में जो ये इंटरेक्शन होता है इसी को क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। इकोसिस्टम कैन बी वेरी बिग, इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूँ तो फॉरेस्ट एक बड़ा इकोसिस्टम हो गया। क्या वहाँ पर लिविंग एनिमल्स रहते हैं? yes, sir. क्या एक ही टाइप के होते हैं? अलग अलग टाइप के अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या वहाँ पर प्लांट्स भी होंगे? yes, एक ही टाइप के, बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स होंगे। वो प्लांट्स वो एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे फूड के लिए, है ना। वो प्लांट्स और वो एनिमल्स एयर के ऊपर भी डिपेंडेंट होंगे, वाटर के ऊपर भी डिपेंडेंट होंगे, रेनफॉल के ऊपर भी डिपेंडेंट होंगे, सनलाइट के ऊपर भी डिपेंडेंट होंगे। अभी करते हैं स्वास्थ्य, तो सारी चीजें मिलकर इंटरेक्ट कर रही हैं। लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ मिलकर इंटरेक्ट कर रहे हैं, बायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स के साथ मिलकर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, फॉरेस्ट एक बड़ा इकोसिस्टम हो गया। वहीं अगर मैं एक छोटे से एक्वेरियम की बात करूँ, एक्वेरियम किस किस को पता, क्या किस किसके घर पर है एक्वेरियम? तो एक्वेरियम एक बहुत छोटा इकोसिस्टम हो गया जहाँ पर जो फिशेज हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स हो गई, बायोटिक कंपोनेंट्स हो गई, जो वाटर है या न्यूट्रिएंट्स हम उनको दे रहे हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, लिविंग कंपोनेंट्स है बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ क्या करते हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक छोटा सा इकोसिस्टम हो गया। ऐसे एक छोटा सा गार्डन बना लेते हैं लोग, घर के बाहर भी बना लेते हैं कई बार, तो वो भी एक छोटा सा इकोसिस्टम होता है जहाँ पर प्लांट्स और कुछ बटरफ्लाइज और कुछ इंसेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, सनलाइट के साथ, रेनफॉल के साथ, वाटर ऑन द ग्राउंड, वाटर साइड ग्राउंड के साथ, है ना, तो वो भी एक इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम इज बेसिकली जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करें उसी को क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैन बी वेरी बिग लाइक अ फॉरेस्ट, इकोसिस्टम कैन बी वेरी स्मॉल लाइक एन एक्वेरियम। ओके, इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है। फॉरेस्ट नेचुरल है, मैनमेड है? तो फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। गार्डन मैनमेड इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, तो इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल, इकोसिस्टम कैन बी मैनमेड। तो देखो जो आपके पास नोट्स हैं इसमें नोट्स में सबसे पहले जो ओपन बॉक्स है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट। जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं उसी से ही हमारा क्या बनता है एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग, लिविंग को क्या बोलते हैं बायोटिक, एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं एबायोटिक। तो हमारे एनवायरनमेंट में दोनों तरह की चीजें रहती हैं, एबायोटिक भी और बायोटिक भी। इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये जो बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स हैं और एबायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं इकोसिस्टम। In an ecosystem, living component depends on each other for their food, which give rise to food chains and food webs in nature. अब हमें पता है कि प्लांट्स को खाते हैं छोटे एनिमल्स, हर्बीवोरस खा लेते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा लेते हैं, इस तरह से चेन बन जाती है, सीक्वेंस बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं फूड चेन। ऐसी एक फूड चेन होती है, कई सारी होती है, तो कई सारी फूड चेन का जो एक नेटवर्क बनता है दैट नेटवर्क इज नोन एज फूड वेब। उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं फूड वेब। ये फूड चेन और फूड वेब किस किस ने पहले से सुने हुए वर्ड्स? छोटी क्लास से हम पढ़ते आते हैं फूड चेन के बारे में, 6-7 में भी हमें पढ़ाया जाता है कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटी इज लेड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन। ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे बड़ा जो दुश्मन है पूरे नेचर का वो किसको मारा जाता है? ह्यूमंस को, क्योंकि हमारी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे हम घर बना रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, उसके लिए हम डीफॉरेस्टेशन करते हैं, उसके लिए हम गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं और गार्बेज को अपनी मदर अर्थ पर ही हम उसको डंप कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन, हमारी बढ़ती हुई एक्टिविटीज़, हमारी बढ़ती हुई ग्रीड की वजह से हो रही है। तो ये चैप्टर आपका 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे,
फिर हम समझेंगे कि क्या होती है फूड चेन और क्या होते हैं फूड वेब और कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फिर हम समझेंगे कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, जिसमें हम ओजोन लेयर डिप्लीशन डिस्कस करेंगे और जो इतने बड़े गार्बेज के पाइल्स हमें आज का देखने को मिलते हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसको कैसे ठीक करना है वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके पास बॉक्स था इसमें चैप्टर का ओवरव्यू दिया गया है कि चैप्टर में आगे आप ये सब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम जो होता है वो एक इंटरेक्टिंग और एक इंटरेक्शन हो गया सभी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग को क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। उसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, पॉन्ड एटसेट्रा। फॉरेस्ट एक टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया जो लैंड के ऊपर है, पॉन्ड एक एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया जो पानी के अंदर है। ठीक है, तो ये भी बताना चाहिए कौन सा टेरिस्ट्रियल है और कौन सा एक्वेटिक। जो लैंड पर है वो टेरिस्ट्रियल कहलाता है और जो पानी के अंदर है वो क्या कहलाता है, एक्वेटिक कहलाता है। कोई दिक्कत, क्योंकि बोर्ड में इसका क्वेश्चन आया था टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दो, पॉन्ड उसका एग्जाम्पल दो, एक्वेटिक इकोसिस्टम का। मैक्सिमम बच्चों ने वो गलत कर रखा था जब हम चेकिंग कर रहे थे, तो यही सोच रहे थे कि बच्चों को ये भी बात नहीं पता है, तो इसलिए ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, ये बेसिक्स हैं, ये सबको क्लियर होना चाहिए। ओके, पढ़े आगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में देख रहे हैं नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नाम से ही समझ आ रहा है जो नेचर में मिल रहा है वो natural. जो आर्टिफिशियली हम लोग बना रहे हैं मैनमेड है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल फॉरेस्ट, लेक, ओशियन, ये सब नेचर ने खुद से क्रिएट किए हैं, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम में आएगा। दैट्स इकोसिस्टम व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन आर कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, लेक और ओशियन। फिर आते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पर। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को हम मैनमेड इकोसिस्टम भी बोलते हैं, जो कि मैनमेड्स के द्वारा बनाए गए इकोसिस्टम्स हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका गार्डन या कोई एग्रीकल्चर फील्ड जहाँ पर आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो, या कोई एक्वेरियम हो गया, ये सारे के सारे चीज़ें क्या कहलाएंगे, आपकी मैनमेड इकोसिस्टम। ओके, फिर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि एयर, और बताओ, वाटर, सॉइल, रेनफॉल, क्लाइमेट, है ना, टेम्परेचर, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स कहते हुए नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे। फिर आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग थिंग्स आती हैं। लिविंग थिंग्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स भी लिविंग आते हैं और एनिमल्स भी लिविंग। फिर प्लांट्स और एनिमल्स के कंपोनेंट है जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। प्रोड्यूसर्स नाम से समझ आ रहा है जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम के जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। प्लांट्स किस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, फिर कंज्यूमर नाम से समझ आ रहा है जो उनको कंज्यूम करेगा, जो उनको खाएगा, है ना। तो हम प्लांट्स खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, सो वी आर कंज्यूमर्स। फिर आते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स वो होते हैं जब किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को डीकम्पोज करने के लिए उसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं जो उसको खाते हैं। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या कहलाते हैं, डीकम्पोजर्स। क्या कहलाते हैं वो, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का काम होता है उस डेड बॉडी को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, ताकि वो दोबारा से सॉइल में मिल सके और सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स निकल चुके थे वो सॉइल को वापस मिल सके। तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की रीप्लेनिशमेंट डीकम्पोजर्स की वजह से ही होती है। जब कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर ये डीकम्पोजर्स पैदा होते हैं और डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसकी डेड बॉडी को खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। आपने सुना होगा कि डेड बॉडी में से स्मेल आने लगती है, सड़ने लगती है बॉडी, तो सड़ने लगती है, गलने लगती है, खराब होने लगती है, वो काम कौन कर रहा है, वो डीकम्पोजर्स ही कर रहे हैं। डीकम्पोजर्स उस बॉडी को सड़ा रहे हैं, खा रहे हैं, इसका मतलब वो उसको डीकम्पोज कर रहे हैं, इसका मतलब वो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलर स्ट्रक्चर में बदल रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स सॉइल के वापस होते हैं। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें पता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं प्लांट्स, प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, और जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उनको खाते हैं डीकम्पोजर्स, और डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी को दोबारा से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। वो सिंपलर सब्सटेंसेस किसके अंदर मिल जाते हैं, सॉइल के अंदर। तो इस तरह से एक सॉइल एक न्यूट्रिएंट की साइकिल बन जाती है जो कंटिन्यूटी में चलती रहती है। सॉइल से न्यूट्रिएंट्स किसको मिलेंगे, प्लांट्स से, एनिमल्स को जब मर जाएंगे तो एनिमल्स को कौन खाएगा, डीकम्पोजर्स खाकर न्यूट्रिएंट्स को दोबारा किसमें मिला देंगे, सॉइल से किसमें मिलेंगे, प्लांट से, एनिमल्स मर जाएंगे तो कौन पहला, डीकम्पोजर्स उनको खाकर फिर से कहां रहा। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट की एक साइकिल चलती रहती है जिससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रीप्लेनिश होते रहते हैं और खत्म नहीं होते। क्या मैं अपनी बात क्लियर कर पा रहा हूँ सबके लिए। तो प्रोड्यूसर्स वो हो गए जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, जैसे कि प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा, एंड कंज्यूमर्स वो हो गए जो इन प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। डीकम्पोजर्स वो हो गए जो डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं, जो डेड बॉडीज के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं उनको डीकम्पोजर्स करते हैं। अब कंज्यूमर्स भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, देखो नीचे डिवाइड किया गया है कंज्यूमर्स को फ्लोचार्ट में। हर्बीवोर, हर्बीवोर कौन होते हैं, जो प्लांट बेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं। कार्निवोर,
जो सिर्फ फ्लैश फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ओमनीवोर्स जो दोनों होते हैं. ह्यूमंस कौन से पार्ट में? ओमनीवोर्स. हम लोग प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी हम कंज्यूम कर सकते हैं. बट आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स वो होते हैं जो खून चूसते हैं, जैसे कि लीचेस. स्टूडेंट्स नहीं, लीचेस. स्टूडेंट्स थोड़े ना खून चूसते हैं, लीचेस. लीचेस, लीचेस सुना आपने? लीचेस हमारी बॉडी से चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद वो हमारी बॉडी से ब्लड को सक करना शुरू कर देती हैं. एनिमल्स के साथ ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है. और लीचेस क्या करती हैं, वो अपना डाइजेशन खुद से नहीं करती, वो डाइजेस्टेड फूड जो दूसरे बॉडी में है उसको कंज्यूम करते हैं. उनको बोलते हैं पैरासाइट्स. क्या बोलते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले वो पैरासाइट्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं, सच एज एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा. ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं. फिर बायोटिक कंपोनेंट जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगा, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं बिकॉज ऑल आर लिविंग थिंग्स. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू. बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है. सबसे पहला क्या है? प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स नाम से समझ आता है कि जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं. ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. बहुत सारे बच्चों को ग्रीन प्लांट्स के बारे में तो पता होता है लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में नहीं पता होता, तो ये भी ध्यान रखना चाहे तो अंडरलाइन कर लो कि ब्लू ग्रीन एल्गी और प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं बाय यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. है ना, फोटोसिंथेसिस हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी पढ़ा था. फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. सनलाइट मिलती है सन से, उसको ट्रैप करता है क्लोरोफिल. वाटर मिलता है सॉइल से, उसको एब्जॉर्ब करते हैं रूट. CO2 मिलती है एयर से, एयर से CO2 जाती है स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे जो कि बेस ऑफ द लीव्स में पाए जाते हैं. और स्टोमेटा को कौन गार्ड करता है? स्टोमेटा का एक काम तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने का था, दूसरा काम ट्रांसपीरेशन का था जिससे वाटर इवेपोरेट होता है. चलिए वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं. प्रोड्यूसर्स हमें पता चल गया जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. प्रोड्यूसर्स को जो इसमें नहीं लिखा वो बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं. तो अंडरलाइन करके लिख लो, प्रोड्यूसर्स के पास ब्रैकेट में ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स क्योंकि ये अपना खाना खुद से बनाते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में वो सभी एनिमल्स आ जाते हैं जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए. कंज्यूमर्स को हमने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट कौन से हैं? हर्बीवोरस. हर्बीवोरस हम सभी जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. वो प्लांट, वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं. क्या आप मुझे कोई एग्जांपल्स बता सकते हैं? काऊ, जिराफ, एलिफेंट. एलिफेंट भी हर्बीवोरस में आते हैं. नहीं बता पाऊंगा एलिफेंट को भी डाउटफुल रखते हैं. वॉट, डियर, बफेलो, रैबिट, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ क्या कंज्यूम करते हैं? प्लांट बेस्ड डाइट कंज्यूम करते हैं और इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस. फिर कार्निवोरस में आते हैं फ्लैश ईटर्स जो फ्लैश को कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइगर, क्रोकोडाइल, और कोई लायन, लेपर्ड, ये सारे के सारे एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को कंज्यूम करते हैं, मीट को कंज्यूम करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस. ओमनीवोरस में आते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को कंज्यूम करते हैं. स्पेशली इसका एग्जांपल कौन है? ह्यूमन. फिर आते हैं पैरासाइट्स. लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड टेक फ्रॉम इट, टेक फूड फ्रॉम इट. उसको सही लिखो, इट की स्पेलिंग में गड़बड़ हो रखी है. टेक फूड फ्रॉम इट. फॉर एग्जाम्पल लाइस और कैस्कटा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़े थे. ठीक है, तो अगर लाइफ प्रोसेस में आपने पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो वही एग्जाम्पल्स आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. फिर पैरासाइट्स में जिस बॉडी से वो जाकर चिपकते हैं पैरासाइट्स, उसको होस्ट बोलते हैं. क्या होते हैं? ये वर्ड याद रखना, होस्ट. जिस बॉडी से जाकर वो चिपकते हैं, जिस बॉडी से वो अपना डाइजेशन न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, वो क्या कहलाती है? होस्ट. ठीक, नेक्स्ट आते हैं डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है पेपर में, बोर्ड में भी आया हुआ है. ये लिखो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. व्हाट हैपेंस इफ डीकम्पोजर्स आर नॉट देयर ऑन अर्थ? What happens if the decomposers are not there on earth? What happens if decomposers are not there on earth? क्या होगा अगर decomposers उत्पन्न नहीं होंगे? सबसे पहली बात तो अगर decomposers नहीं होंगे तो dead bodies as it is पड़ी रहेंगी, dead bodies decompose नहीं होंगे.
और क्या सॉइल को सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वापस मिल पाएंगे? न्यूट्रिएंट्स भी वापस नहीं मिल पाएंगे. तो दो मेन चीजें हैं जो सारी बिगड़ जाएंगी, जिसकी वजह से पूरा अर्थ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना. अर्थ को रिवॉल्व करते हुए, अर्थ पर लाइफ सर्वाइव करते हुए बहुत टाइम हो गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए. हमारे से पहले भी कई सारी स्पीशीज इस पर सर्वाइव कर चुकी हैं, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, है ना. तो अगर डायनासोर्स की बॉडी को डिकम्पोज ना किया जाए, या हमारे से पहले जितनी स्पीशीज मर चुकी हैं उनको डिकम्पोज ना किया जाए, तो क्या इस अर्थ पर स्पेस बचेगा? बिल्कुल भी नहीं बचेगा. इस पूरे लैंड पर हमें क्या देखने को मिलेंगी? डेड बॉडी. इधर काम कर रहे हैं, इधर चार डेड बॉडीज पड़ी हैं, उनके ऊपर ही काम कर रहे हैं. कितना अजीब हो जाए. चलो छोड़ो. तो इसलिए शुक्र है कि हमारे पास क्या है? डिकम्पोजर. जब कोई डेड बॉडी हो जाती है, जब एनिमल डेड हो जाता है, तो उसकी बॉडी पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर. और वो डीकम्पोजर्स उनकी डेड बॉडी को खाने का काम करते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलर स्ट्रक्चर में तोड़ने का काम करते हैं, ताकि वो दोबारा से न्यूट्रिएंट्स में दोबारा से उनके न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स हो सके, और सॉइल को उनके न्यूट्रिएंट्स वापस मिल सके. ठीक है. तो दो मेन चीजें नहीं होंगी. एक तो डेड बॉडीज फिनिश नहीं होंगी, डेड बॉडीज वैसे की वैसे ही रहेंगी, और लैंड हमारा पूरा फिल हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का लैंड लिमिटेड है. दूसरा, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स सॉइल को वापस नहीं मिलेंगे अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे. अब इसको हम डिटेल में कितना भी लिख सकते हैं. अगर एक नंबर में क्वेश्चन आया तो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे हम दोनों पॉइंट्स को. अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए, जो कि बोर्ड में आया था 3 मार्क्स में, तो इसी क्वेश्चन को हम डिटेल में लिखेंगे. बड़ी सी हेडिंग बनाएंगे कि अगर डीकम्पोजर्स नहीं है तो क्या होगा. डेड बॉडीज विल रिमेन सेम एज इट इज रहेंगी वो, तो उसके बारे में लिख देंगे थोड़ा डिटेल में. अच्छा खासा आधा पेज लिख देंगे. फिर हेडिंग बनाएंगे कि सॉइल विल नॉट गेट इट्स न्यूट्रिएंट बैक. फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई अगर डीकम्पोजर्स नहीं है, डेड बॉडीज वापस से न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी, जिसकी वजह से सॉइल को अपने न्यूट्रिएंट्स वापस नहीं होंगे. तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके हिसाब से आपको अपने आंसर की लेंथ को चेंज करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि हमने इतना याद किया है तो हमें बस इतना ही लिख कर आना है. डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स आपको अपने क्वेश्चन की लेंथ को चेंज करना पड़ता है. ठीक है. वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं. डीकम्पोजर्स इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डीकम्पोज ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एंड फंगाई. दीज हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये नेचुरल रिसोर्सेज मतलब न्यूट्रिएंट्स को वापस रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है. कोई दिक्कत इसमें? तो ये कंज्यूमर्स हो रहे हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के. पहले थे हर्बीवर्स, देन कार्निवर्स, देन ओमनीवर्स, और लास्ट वन वाज वेरिफाइड. फिर आते हैं हमारे पास फूड चेन. फूड चेन, चेन से हमें समझ आ रहा है जिसमें एक के बाद एक सीक्वेंस हो. चेन हम तभी तो बोलते हैं जब कोई सीक्वेंस वाली बात हो. आपको याद होगा ह्यूमन चेन्स भी हम लोग बनाते हैं कई बार अपने प्रोटेस्ट को शो करने या किसी अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू. किस किसने को पता है ह्यूमन चेन के बारे में? ह्यूमन चेन कई बार ह्यूमंस जो हैं लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उनमें अवेयरनेस डालने के लिए ह्यूमन चेन्स भी फॉर्म करते हैं. बहुत लंबा हाथ से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बहुत लंबी एक लाइन बना लेते हैं कई किलोमीटर दूर तक की, ताकि लोगों का ध्यान जाए, लोगों का अटेंशन जाए, और किसी एक मैसेज को वो हाईलाइट करते हैं. वो अवेयरनेस से रिलेटेड भी हो सकता है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है. ठीक है. मार्च पास निकलती हैं कई सारी, इससे वो अवेयरनेस के बारे में होता है वैसे नहीं. तो फूड चेन में हम चेन देखते हैं कि कैसे कौन सा एनिमल किसके ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए. जैसे प्लांट को खाएगा रैबिट, रैबिट को खाएगा कोई और एनिमल, है ना, और उस एनिमल को खाएंगे ओमनीवर्स. इस तरह से एक चेन बन जाती है, एक सीक्वेंस बन जाती है. अब क्वेश्चन आता है कि फूड चेन क्यों पढ़नी है, फूड चेन के बारे में क्यों समझना है. तो फूड चेन के बारे में इसलिए पढ़ना है, इसलिए समझना है, क्योंकि इससे हम अपने एनवायरमेंट को बेहतर समझ पाते हैं. हमारे अर्थ पर कैसे, हमारे आसपास कैसे, हमारी सराउंडिंग्स में अलग अलग एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो समझ पाते हैं. एनर्जी का ट्रांसफर एक लेवल से दूसरे लेवल पर कैसे होता है वो समझ पाते हैं. क्यों हमारे पास फूड चेन्स में कुछ ही लेवल्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स नहीं होते, वो भी समझ पाते हैं. तो फूड चेन से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. फूड चेन के हमारे पास बहुत सारी सिग्निफिकेंस है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है. तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन. फूड चेन की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी सिग्निफिकेंस है. फूड चेन से हमें पता चलता है कौन किसको खाता है. ठीक है. फूड चेन से हमें पता चलता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे फ्लो ऑफ एनर्जी जा रही है. फूड चेन से हमें पता चलता है ट्रॉफिक लेवल्स, कौन सबसे पहले आ रहा है, कौन दूसरे नंबर पर आ रहा है, कौन तीसरे नंबर पर आ रहा है, कौन चौथे लेवल पर आ रहा है. फूड चेन से हमें पता चलता है क्यों हमें हमारी फूड चेन में 4-5 ही ट्रॉफिक लेवल्स देखने को मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, क्योंकि हर बार एनर्जी लॉस होती है, अभी बढ़ेंगे उसको. ठीक है. फिर फूड चेन की डेफिनेशन क्या है. फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म. ये एक वो सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, कंज्यूम करता है. फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड. फूड चेन एक सीक्वेंस है जिसमें आपको पता चलता है कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको कंज्यूम करता है एज अ फूड. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास
ग्रास को कंज्यूम कर रहा है डियर, डियर को कंज्यूम कर रहा है। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ ट्रैफिक लेवल। हर एक लेवल पर आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है। जैसे ग्रास के पास जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर होगी डियर के पास, डियर के पास जो एनर्जी थी उसको ट्रांसफर होगी लायन के पास। तो हर एक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और हर एक लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन में हर एक लेवल पर ग्रास के पास एनर्जी थी, ग्रास को कंज्यूम किया डियर ने, अब वो एनर्जी किसके पास ट्रांसफर हो गई? डियर के पास। डियर को कंज्यूम किया लायन ने, तो वो एनर्जी किसके पास ट्रांसफर हो गई? लायन। तो हर एक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और इस हर एक लेवल को जिस पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन पेपर में लिखी जाती है, तो प्लीज अंडरलाइन इट। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल। क्लियर आपने इसको अंडरलाइन? फिर आती है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है? तो इस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, पेपर में सबसे ज्यादा ये पूछा। सबसे पहले जो इन्होंने लाइन लिखी है यही आपके क्वेश्चन में भी आती है, इन्वर्टेड कॉमास में ये लाइन लिखी रहती है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। इसको इन्वर्टेड कॉमास में करो लाइन को, फर्स्ट लाइन को इन्वर्टेड कॉमास में करो और लिखो एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, इसको एक्सप्लेन करो। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है। कैसे होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि प्लांट्स ने एनर्जी ली है सन से, सनलाइट की वजह से। क्या प्लांट सन को कुछ दे रहे हैं? कुछ भी नहीं जा रहा, रिटर्न में तो नथिंग। सनलाइट से प्लांट को एनर्जी मिल रही है, प्लांट रिटर्न में सनलाइट को या सन को कुछ भी नहीं दे रहा। प्लांट को कंज्यूम किया डियर ने, क्या डियर प्लांट को कुछ दे रहा है वापस? कुछ भी नहीं दे रहा। प्लांट को कंज्यूम किया डियर ने, प्लांट के पास से एनर्जी गई डियर के पास, लेकिन डियर ने इन रिटर्न कुछ भी नहीं दिया प्लांट को। डियर को कंज्यूम किया लॉयन ने, डियर के पास से एनर्जी गई है लॉयन के पास, क्या लॉयन डियर को कुछ दे रहा है इन रिटर्न? नहीं दे रहा। तो एनर्जी सन के पास से प्लांट के पास आई, प्लांट ने कुछ नहीं दिया सन को। प्लांट के पास से गई डियर के पास, डियर ने प्लांट को कुछ नहीं दिया। डियर के पास से गई है लॉयन के पास, लॉयन ने डिनर डियर को कुछ नहीं दिया, डियर को डिनर समझ कर खा गया लेकिन उसको कुछ दिया नहीं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, सन से प्लांट, प्लांट से डियर, डियर से लॉयन, वापस कुछ नहीं जा रहा। इसका मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। सनलाइट से प्लांट्स को मिली एनर्जी, प्लांट से डियर को, डियर से लॉयन को, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है एनर्जी, वापस कुछ नहीं आ रहा। इसलिए फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल। अगर ये 3 मार्क्स में हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे लिख कर आए, तो हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग सनलाइट, बट प्लांट्स आर नॉट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न टू सन और सनलाइट। वो सन और सनलाइट को कुछ वापस नहीं दे रहे हैं। नाउ प्लांट्स आर ईटन अप बाय डियर। प्लांट्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? डियर। बट इन रिटर्न डियर इज नॉट गिविंग एनीथिंग टू प्लांट्स। सिमिलरली डियर इज ईटन अप बाय लायन, बट लायन इज नॉट गिविंग एनीथिंग टू डियर इन रिटर्न। तो ये आपका इसमें लगभग आधा पेज कंप्लीट हो जाएगा जब आप इतना लिखोगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, दिस इज हाउ फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस इन सिंगल डायरेक्शन ओनली एंड नो रिटर्न थिंग्स आर बैक। कुछ भी वापस नहीं जा रहा है किसी भी पिछले लेवल पर, है ना। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, हर एक सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बस वो आगे की तरफ हो रहा है, रिटर्निंग बैक जैसा कुछ भी नहीं। किस इसको क्लियर हो रहा है? कुछ ये 3 मार्क्स में आता है, ठीक है, लिख लो 3 मार्क्स। फिर आता है एक 10% लो, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत कम क्वेश्चन हैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बताओगे कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो एक तो क्वेश्चन यही हो गया आपका एनर्जी फ्लो वाला, यूनिडायरेक्शन क्यों होता है। अब आता है 10% लो। 10% लो आपको ये कहता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो सिर्फ 10% लो। अब इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, अभी समझेंगे क्या क्या। बहुत ध्यान से मेरी बात समझते जाना, अटेंटिव होकर बैठना क्लास में, सिर्फ स्ट्रेट अपने पोस्चर का ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो सिर्फ 10% होगा। कितने परसेंट होगा? 10% एनर्जी लो आपको बोलता ये है कि हर एक लेवल पर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सिर्फ 10% होगा। ठीक है, कैसे समझते हैं? अगर प्लांट्स के पास 100 जूल्स एनर्जी थी, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, प्लांट्स के पास 100 जूल एनर्जी थी और प्लांट को कंज्यूम किया डियर ने, तो डियर के पास सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। 10% ऑफ 100 कितना होता है? 10 जूल। तो डियर के पास कितनी एनर्जी गई? 10। बाकी कितनी नहीं गई? 90 जूल्स। कहाँ गई? 90 जूल्स प्लांट ने यूज कर।
प्लांट को भी तो बहुत सारे काम होते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है, रेस्पिरेशन करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं ना प्लांट्स को, सेल्स को बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए सबके लिए एनर्जी। तो प्लांट्स 90% एनर्जी यूज कर लेते हैं और डियर के पास सिर्फ कितनी एनर्जी जाती है 10% एनर्जी जाती है। तो प्लांट्स के पास अगर 100 जूल एनर्जी थी तो डियर के पास सिर्फ और सिर्फ 10 जूल एनर्जी जाती है। अब डियर को कंज्यूम करेगा लोयन, डियर से लोयन के पास भी सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। 10% ऑफ 10 जूल कितना होता है 10% ऑफ 10 कितना होता है 1। तो लोयन के पास सिर्फ 1 जूल एनर्जी पहुंचेगी डियर को अगर वो कंज्यूम करेगा, समझ आ रही है बात। बाकी 90% एनर्जी कहां गई, वो डियर ने यूज कर ली, डियर ने मूवमेंट करने के लिए यूज कर ली, डियर ने न्यूट्रिशन करने के लिए यूज कर ली, डियर ने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए यूज कर ली, बहुत सारे प्रोसेस जो डियर को सर्वाइवल के लिए चाहिए थे उसके लिए 90% एनर्जी को यूज कर लेता है। बाकी 10% एनर्जी किसके पास ट्रांसफर होगी, लोयन में। अब देखो लोयन के पास कितनी कम एनर्जी है 1 जूल, है ना। हर एक लेवल पर एनर्जी 90% लॉस हो रही है और सिर्फ कितने परसेंट ट्रांसफर हो रही है 10%। यही रीजन है कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में हमें 4 लेवल तक ही देखने को मिलते हैं, 3-4 लेवल ही देखने को मिलते हैं, उससे ज्यादा लेवल देखने को नहीं मिलते क्योंकि एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है हर लेवल पर। कितना एनर्जी लॉस होता है लगभग, और सिर्फ कितना आगे जाता है, इस रूल को, इस लो को बोलते हैं 10% एनर्जी। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अब समझना ध्यान से और थोड़ी सी फोकस करना। जो सनलाइट आती है और जो प्लांट के ऊपर पड़ती है, प्लांट उसका सिर्फ 1% यूज करता है। कितना परसेंट यूज करते हैं 1% यूज करते हैं। फिर प्लांट से डियर कंज्यूम करेगा प्लांट को तो उसके पास सिर्फ 10% आगे जाएगा, और डियर को लॉयन कंज्यूम करेगा तो उसके पास सिर्फ 10% ही आगे जाएगा, 90% क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे विदाउट यूजिंग पेन, तो अपना माइंड अपना फोकस यहीं रखना और फटाफट आंसर्स बताना। सपोज कीजिए जो सनलाइट आ रही है उसमें 1 लाख जूल्स एनर्जी, कितने जूल्स एनर्जी है 1 लाख जूल्स एनर्जी है जो सनलाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ रही है। प्लांट उसका सिर्फ कितने परसेंट यूज करेंगे 1%। प्लांट के ऊपर जितनी सनलाइट पड़ती है प्लांट उसका सिर्फ कितने परसेंट यूज करते हैं 1%। अब 1 लाख का 1% 1000 जूल्स, तो प्लांट ने कितनी एनर्जी बनाई 1000 जूल्स। यहाँ पे समझ आ रहा है, तो प्लांट के पास अब 1000 जूल्स एनर्जी है। प्लांट को कंज्यूम कर रहा है डियर, ठीक है, प्लांट को कंज्यूम कर रहा है डियर, कितनी एनर्जी आगे जाएगी 10% ही आगे जाएगी, 90% प्लांट यूज करेगा, 10% ऑफ 1000 तो डियर के पास कितनी एनर्जी गई सर 100। ठीक है, अब डियर को कंज्यूम किया किसने, अब डियर के पास 100 जूल्स एनर्जी है तो लोयन के पास भी 100 जाएगी या उसका सिर्फ 10%, उसका सिर्फ 10% जाएगा, 10% ऑफ 100 जूल्स, तो लोयन के पास कितना पहुंचा 10 जूल्स, आया कितना था 1 लाख, जो बहुत बड़ा नंबर है। प्लांट ने सिर्फ कितना बनाया उसे 1000 जूल, जो कि छोटा हो गया नंबर। फिर डियर के पास और कम पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ 100 जूल्स पहुंचा, जो और छोटा हो गया। लोयन के पास पहुंचते पहुंचते एनर्जी कितनी बची है सिर्फ, क्या हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी लॉस हो रहा है 90% एनर्जी लगभग लॉस हो जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है, इसको बोलते हैं 10% एनर्जी लॉस। और इसी वजह से हमें 3-4 ट्रॉफिक लेवल ही देखने को मिलते हैं और कोई बड़े ट्रॉफिक लेवल्स हमें देखने को हमारे अर्थ पर, हमारी सराउंडिंग्स में नहीं मिलते। ठीक है, और क्योंकि हर लेवल पर आपकी एनर्जी कम हो रही है इसलिए ट्रॉफिक लेवल को नेक्स्ट पेज पर देखो, पिरामिड्स की वजह से शुरू किया। पिरामिड दिख रहा है आपको, पिरामिड बनाने का सबसे मेन रीजन ये है क्योंकि पिरामिड नीचे से मोटा होता है और ऊपर आते आते बहुत पतला हो जाता है। नीचे से मोटा है मतलब नीचे सबसे ज्यादा एनर्जी है, फिर थोड़ा सा ऊपर आया नेक्स्ट लेवल पर एनर्जी कम हो गई, फिर थोड़ा सा ऊपर आया नेक्स्ट लेवल पर एनर्जी और कम हो गई, सबसे ऊपर आते आते एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है ना। तो हर एक लेवल पर, हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कम हो रही है, इसलिए हमने इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स से ना बनाकर पिरामिड से शो किया है ट्रॉफिक लेवल के डायग्राम को, जो आपको नोट्स में भी दिख रहा है। तो ये ट्रॉफिक लेवल का जो डायग्राम पिरामिड शेप में है ये इसी वजह से है क्योंकि हर एक लेवल पर एनर्जी कम होती जा रही है। ये किस किस को क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत इसमें, चलो 10% एनर्जी लो को एक बार डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स पढ़ूं, ध्यान है सबका ही, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। ग्रीन प्लांट सिर्फ और सिर्फ कितना कन्वर्ट करते हैं 1% कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आता है 10% लॉ, कैलकुलेशंस क्या होती हैं अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, अगले ट्रॉफिक लेवल पर, अगले कंज्यूमर पर सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% वो ऑर्गेनिज्म खुद ही यूज कर लेता है। ओके, द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा बाय प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल। क्या मैं अपनी बात क्लियर कर पा रहा हूँ यहाँ तक सबके लिए। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे हर लेवल पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, फूड चेन्स कंटेन ओनली 3-4 ट्रॉफिक लेवल्स। तो पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है why food chain have 3-4 levels only, ट्रॉफिक लेवल्स ओनली, बिकॉज एनर्जी लॉस इज वेरी हाई एट ईच एंड एवरी लेवल, 90% ऑफ द एनर्जी गेट लॉस्ट
एंड ओनली 10% एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल. तो लिख लीजिए क्वेश्चन, व्हाई फूड चेन कंटेन 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स ओनली. Why food chain contains 3 to 4 trophic levels only? Why food chains contain 3 to 4 trophic levels? बढ़िया डिस्कस करें. सबसे पहले फोकस कर रहे हैं दिए गए पिरामिड वाले डायग्राम पर. सबसे नीचे पिरामिड में कौन आ रहे हैं? प्रोड्यूसर. उनके बराबर में कैलकुलेशंस भी लिखी हुई है. ये कैलकुलेशंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. के जे जो लिखा है किलो जूल लिखा है. के जे का क्या मतलब होता है? जूल्स थोड़ी छोटी यूनिट होती है, तो बड़ी यूनिट को मेजर करने के लिए किलो जूल्स यूज करते हैं. जैसे छोटा सा डिस्टेंस मेजर करना है तो मीटर, बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है तो किलो. तो सबसे वाला नीचे वाला जो लेवल है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो कौन है? प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्लांट्स हमारे. फिर उसके बाद उन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे कि रैबिट वगैरह हो गए हमारे पास जो हर्बीवोरस में आते हैं, स्मॉल कंज्यूमर्स जो होते हैं छोटे कंज्यूमर्स. और उनके पास जो एनर्जी ट्रांसफर होती है सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है, इसलिए वो सेकंड नंबर पर आ गए एनर्जी लेवल कम. फिर आते हैं उनको कंज्यूम करने वाले जिनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास और कम एनर्जी जाती है, सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है. और सबसे ऊपर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स. ह्यूमंस जो होते हैं वो हर फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं क्योंकि हम हर तरह का फूड कंज्यूम कर सकते हैं और करते हैं. ठीक है, तो ह्यूमंस जो आते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर्स में काउंट होते हैं. टर्शरी कंज्यूमर्स के पास सबसे कम एनर्जी पहुंचती है. देखो कैलकुलेशंस के हिसाब से सिर्फ 1 kJ एनर्जी पहुंचती है हर लेवल पर, हर ट्रॉफिक लेवल पर. क्या एनर्जी का लॉस हो रहा है? ज्यादा या कम? बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, लगभग 90% तो लॉस हो जाता है. सिर्फ कितना ट्रांसफर होता है? 10%. तो इसलिए ट्रॉफिक लेवल्स हमारे पास 3-4 ही देखने को मिलते हैं. जो सबसे नीचे है उसको प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सबसे ऊपर ह्यूमंस काम रहते हैं. फिर आता है टॉपिक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो, डिफाइन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. बेटा एक मैंने होता है मान का ध्यान क्लास में है, कुछ इधर उधर तो नहीं सोच. टॉपिक क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. नाम से क्या समझ आ रहा है? मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? मैग्नीफाई करना, चीजों को बढ़ाना, है ना? मैग्नीफाई करना मतलब चीजों को बढ़ाना. तो अब देखो नेचर का नियम समझना क्या है. एनर्जी तो कम होती जा रही है हर लेवल पर क्योंकि आगे सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, लेकिन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस सब्सटेंसेस है वो हर लेवल पर बढ़ते जा रहे हैं. कैसे? समझने की कोशिश करते हैं. वो छोटे छोटे पेस्टिसाइड्स के केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स के केमिकल्स बारिश के पानी के साथ बहकर हमारी नदियों में चले जाते हैं. ठीक है, उन नदियों में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पहले से सर्वाइव कर रहे हैं. वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उन पेस्टिसाइड्स के मॉलिक्यूल्स को, उन पेस्टिसाइड्स के पार्टिकल्स को कंज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, अब एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, लेट सपोज वो एक पार्टिकल कंज्यूम कर रहा है पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड तो पता है सबको, जो प्लांट्स को इंसेक्ट्स से, पेस्ट से बचाने के लिए यूज होने वाले केमिकल्स हैं उनको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं. तेज बारिश आने की वजह से वो बारिश के पानी के साथ बहकर हमारी नदियों में, रिवर्स में, लेक्स में चले जाते हैं. तो उससे क्या होता है, अब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो नदियों में रह रहे हैं वो उनको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, मेरी तरफ देखते रहना और सुनते रहना और समझते रहना. एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है नदी में जो रह रहा है, रिवर में जो रह रहा है, और वो एक पार्टिकल कंज्यूम कर रहा है पेस्टिसाइड. ठीक है, ऐसे एक ऑर्गेनिज्म होंगे या कई सारे होंगे? सारे, बहुत सारे होंगे, है ना? तो लेट सपोज 100 ऑर्गेनिज्म है ऐसे, बहुत छोटे छोटे से, बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ. और वो 100 पार्टिकल्स कंज्यूम, 100 ऑर्गेनिज्म 100 पार्टिकल्स कंज्यूम करते हैं. एक थोड़ा सा बड़ा ऑर्गेनिज्म आता है जो इनको कंज्यूम करता है. ठीक है, अब जब वो इनको कंज्यूम करेगा तो एक को करेगा या कई सालों को? कई सालों को एक साथ कंज्यूम करेगा. तो ये 100 के 100 आ गया, तो 100 पार्टिकल्स अब इसके अंदर चले. अब एक बड़ा ऑर्गेनिज्म आता है, वो इनको खाता है. ठीक है, वो एक खाएगा या कई सारे खाएगा? ऐसे वो कई सारे ऑर्गेनिज्म खा गया, एक से 100 जा रहे हैं तो 10 से कितने जाएंगे? 1000. ठीक है, 100 से कितने जाएंगे? 10000. अब 10000 पार्टिकल्स इसके अंदर आ चुके हैं पेस्टिसाइड से, है ना? एक बड़ा ऑर्गेनिज्म आता है जो इसको कंज्यूम करता है. अब ये एक को खाएगा या कई सारों को खाएगा? कई सारों को खाएगा. और कई सारों को खाएगा तो उसके अंदर और ज्यादा हो जाएंगे, 50000 हो जाएंगे, 1,00,000 पार्टिकल्स हो जाएंगे. और अल्टीमेटली सबसे ऊपर फूड चेन में कौन आते हैं? ह्यूमंस. कौन आते हैं? क्या ह्यूमंस फिशेस को कंज्यूम करते हैं? क्या ह्यूमंस एक्वेटिक फूड को कंज्यूम करते हैं? तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स, 1,00,000 पार्टिकल्स, 2,00,000 पार्टिकल्स अल्टीमेटली टर्शियरी कंज्यूमर्स की बॉडी में जाने वाले हैं. हाँ या ना? अब समझना ध्यान से क्या हो रहा है. छोटा जो ऑर्गेनिज्म था उसने सिर्फ एक पार्टिकल खाया,
बड़े ऑर्गेनिज्म ने 100 पार्टिकल खाए, बढ़ गया उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का अमाउंट, है ना, जो उससे बढ़ा है उसने और खाए 10,000 हो गए, उसके अंदर और बढ़ गया, फिर जो अल्टीमेटली लेवल पर खड़ा है उसके अंदर 1,00,000-2,00,000 पार्टिकल्स एक साथ जा रहे हैं और ये उसकी बॉडी के अंदर है। आप इनको नॉर्मली वॉश करके हटा नहीं सकते हो बिकॉज दे आर नॉट आउटसाइड द बॉडी, दे आर इनसाइड द बॉडी। उस एनिमल की, उस फिश की बॉडी के अंदर वो पार्टिकल्स हैं जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो। अब वो सारे पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और हर लेवल पर आप नोटिस करोगे मैग्नीफाई हो रहे हैं पार्टिकल्स। फर्स्ट लेवल पर सिर्फ एक पार्टिकल था, फिर 100 हो गए, फिर 10,000 हो गए, फिर लाख हो गए और फिर वो हर लेवल पर बढ़ते 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 जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? हर एक लेवल पर इन टॉक्सिक पार्टिकल्स का, इन पॉइजनस पार्टिकल्स का एक्यूमुलेट होना, एक्यूमुलेट होना मतलब इकट्ठा होना, बढ़ना, इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो देखो इसमें क्या लिखा है, द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेस विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो कंसेंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स की, जिनको हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और हर एक ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज, अल्टीमेटली ये सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी, एज ह्यूमन ऑक्यूपाइज द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। किसी भी फूड चेन की बात कर लो, चाहे छोटी चाहे बड़ी चाहे नॉर्मल चाहे कैसी भी फूड चेन हो, उन सब में टॉप लेवल पर कौन आते हैं, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है इन पार्टिकल्स का। किस किस को ये पूरा टॉपिक दिया, एनी डाउट एनीवन के नाम? मैं चाहता हूँ आप बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की पूरी डेफिनेशन अभी याद करें, मैं आप लोगों से जल्दी से। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन सबको यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट आ रहा है किसी में? फूड वेब, जैसे कि मैंने आपको कहा था एक फूड चेन नहीं है, कई सारी फूड चेन्स हैं, तो उन फूड चेन्स का अगर हम पूरा एक नेटवर्क बना दें तो डेट इज नोन एज फूड वेब।